हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन बेसिक लाइंस के बारे में कि जब बच्चों को लिखना सिखाया जाता है तो हम उनको कौन कौन सी बेसिक लाइंस सिखाते हैं। उसमें होती है स्टैंडिंग लाइन, कर्व लाइन, स्लैंटिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन। सबसे पहले हम बच्चों को सिखाते हैं स्टैंडिंग लाइन, जो खड़ी होती है। स्टैंडिंग लाइन होती है, स्टैंडिंग लाइन होती है, ये खड़ी वाली लाइन होती है हमारी स्टैंडिंग लाइन। कौन सी लाइन होती है? स्टैंडिंग लाइन। जब हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं तो हम सिखाना चाहिए बच्चों को ऐसे डॉट डॉट। बच्चों को आप पूरी थ्री लाइन्स में बच्चों को आप डॉट डॉट बनाकर दें, बच्चा उसके ऊपर ऐसे ऐसे आप उसके ऊपर पेंसिल चलाएगा। याद रखिएगा कि बच्चा कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ पेंसिल ना चलाए, ऊपर से नीचे की तरफ ही पेंसिल चलानी है। पहले हम बच्चों को ये चार डॉट देंगे, जब बच्चा इसको बनाना, इसे पेंसिल फेरना सीख जाएगा उसके बाद हम बच्चों को देंगे ये थ्री डॉट। थ्री डॉट देने के बाद जब बच्चा थ्री डॉट में परफेक्ट हो जाएगा, हम देंगे बच्चों को सिर्फ टू डॉट। टू डॉट में बच्चा इसे इसको मिलाने लगेगा। ये हो गई हमारी स्टैंडिंग लाइन। दूसरी लाइन हमारी होती है स्लिपिंग लाइन। स्लिपिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन जो होती है वो उनको हम ऐसे पड़ी हुई लाइंस भी कहते हैं। जैसे ये हमारी, ये ऐसे पड़ी हुई लाइन हमारी कौन सी लाइन हो गई? ये हमारी हो गई स्लिपिंग लाइन। स्लिपिंग लाइन के लिए हम बच्चों को ऐसे पहले ऐसे डॉट देंगे, ऐसे पांच डॉट दे दीजिए, बच्चा उसके ऊपर जो है ये पेंसिल चलाएगा। उसके बाद हम बच्चे को थ्री डॉट दे दें, फोर डॉट दे दें, उसको उसके ऊपर बच्चा पेंसिल चलाएगा। फिर हम बच्चों को टू डॉट दें, एक यहाँ और एक यहाँ, और बच्चा उसके ऊपर पेंसिल ऐसे चलाएगा। तो हमारी दो लाइंस हो गई बेसिक लाइन। पहले तो आप बच्चों को दो तीन दिन आप स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस कराइए, उसके बाद आप बच्चों को प्रैक्टिस कराइए स्लिपिंग लाइन की। उसके बाद आती है हमारी कौन सी लाइन आती है? उसके बाद आती है हमारी कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन मतलब, कर्व्ड लाइन मतलब होती है घूमी हुई लाइन, जिसको हम हमारे जो अल्फाबेट्स हैं वो इन्हीं चार लाइन से मिलकर बनते हैं। अगर बच्चा हमारे इन लाइन्स में परफेक्ट हो जाता है तो उसे अल्फाबेट लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। कर्व्ड लाइन, ये वाली लाइन जो होती है, ये हमारी कर्व लाइन ऐसे होती है। इसे अब बच्चे को ऐसे देखिए, इसको ऐसे बच्चे को बनाना बताएंगे। ये बच्चा इसे पेंसिल ऐसे ऊपर से नीचे लाएगा, मींस बच्चे को एरो बना के भी आप बता सकते हैं कि सी हमारा जो है वो ऐसे बनेगा। ये हमारी कौन सी लाइन हो गई? ये हमारी लाइन हो गई कर्व्ड लाइन। इसके लिए हम बच्चे को पहले पूरी लाइंस में डॉट डॉट दिखाएंगे, उसके बाद हम बच्चे को प्रैक्टिस कराएंगे ऐसे ही कर्व्ड लाइन की। उसके बाद आप एक डॉट यहाँ बनाइए, एक डॉट यहाँ बनाइए और एक डॉट यहाँ पे बनाइए, बच्चा इसको इससे मिलाएगा। ये हो गई हमारी कर्व्ड लाइन। कौन सी लाइन हो गई हमारी? ये कर्व्ड लाइन। उसके बाद आती है हमारी एक और लाइन, उसके बाद आती है हमारी स्लैंटिंग, स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइंस होती है ऐसे तिरछी लाइंस। कौन सी लाइन होती है? ऐसे तिरछी, ठीक है। इसको हम ऐसे ए बनाने में स्लैंटिंग लाइन का इस्तेमाल होता है, ऐसे। ये कौन सी लाइन हो गई हमारी? आप बच्चों को पहले ऐसे डॉट दीजिए, ऐसे प्रैक्टिस करवाइए स्लैंटिंग लाइन की, तो बच्चा ऐसे स्लैंटिंग लाइन बनाना सीख जाएगा। और फिर जब बच्चा हमारा परफेक्ट हो जाएगा इन लाइंस में, उसके बाद आप उसे दीजिए यहाँ पे ये इन जो डॉट हम देते हैं, डॉट में दूरी बढ़ाते चले जाइए ताकि बच्चा जो है उन लाइंस को परफेक्टली बनाना सीख जाए। फिर यहाँ पे दीजिए सिर्फ तीन डॉट, तीन डॉट हमने दिए और बच्चा इसको इससे मिला लेगा। जब हमारा बच्चा इन चारों लाइंस में परफेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हम बच्चे से अल्फाबेट बनवाएंगे।
अब हमारी कौन कौन सी लाइन्स हो गई हैं? स्टैंडिंग लाइन ऊपर से नीचे की तरफ बनाई जाएगी, स्लिपिंग लाइन ऐसे सीधी सीधी स्लिपिंग लाइन्स होती हैं ऐसे, और उसके बाद होती है कर्व्ड लाइन जिसका सी बनाने में भी यूज होता है, डी बनाने में भी यूज होता है, काफी अल्फाबेट बनाने में इसका यूज होता है। उसके बाद होती है हमारी स्लैंटिंग लाइन जो ऐसे होती है, ठीक है। अब मैं आपको एक फिगर बनवा रही हूं जिसमें इन्हीं चारों लाइन्स का जो है वो यूज हो जाएगा। बच्चों को लाइन्स बनाने बताने के लिए हमने एक ये शेप बनाई है, हम बनाएंगे इसमें सन। ये हमने हाफ कर्व से ये सर्कल बना दिया है, हाफ कर्व इधर से और हाफ कर्व इधर से। उसके बाद हम बच्चों को बताएंगे कि बच्चा कैसे बनाएगा स्टैंडिंग लाइन। ये स्टैंडिंग लाइन बच्चा इसमें बना देगा, ये हमारी हो गई स्टैंडिंग लाइन। उसके बाद हम इसे बनाएंगे स्लिपिंग लाइन, ये हमारी हो गई स्लिपिंग लाइन। फिर हम बताएंगे बच्चों को स्लैंटिंग लाइन, ये हमारी हो गई स्लैंटिंग लाइन। तो एक ही फिगर में हमारी सारी लाइन्स जो हैं वो बच्चे के लिए कवर हो गई हैं। ये हमारी हो गई कर्व लाइन, ये हमारी हो गई स्टैंडिंग लाइन, ये हमारी हो गई स्लिपिंग लाइन, और ये हो गई हमारी स्लैंटिंग लाइन जो थोड़ी तिरछी होती है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा जरूर। अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी कुछ वर्कशीट के बच्चों को हम कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से, अगर ये बच्चा लिखते लिखते इन लाइन से बोर हो जाता है तो इंटरेस्टिंग तरीके से हम कैसे इन लाइन्स की प्रैक्टिस बच्चों को करवा सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।